बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऋषि कपूर एक बहुत ही खुले विचारों वाले, बेबाक अंदाज और बिंदास पर्सनालिटी वाले इंसान थे, जो हमेशा अपने दिल की बात खुलकर दुनिया के सामने रखने में विश्वास करते थे। और ऋषि कपूर सिर्फ अपने बारे में सोचते थे कि वो कैसा फील करते हैं। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उनकी बात को सुनकर कैसा फील करेगा। इसी वजह से ऋषि कपूर की जिंदगी में कई बार कई मुश्किलें भी आई। ऐसे ही ऋषि कपूर ने एक बार ये भी कह दिया था कि वो नीतू कपूर से भी ज्यादा किसी और को प्यार करते हैं, जिस वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो आखिर शादीशुदा ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू कपूर के अलावा और किस लड़की से प्यार करते थे? आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में आगे जरूर बने रहें। और अगर आपको बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अननोन खबरें जानने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया है। सांस लेने में दिक्कत के चलते ऋषि कपूर को बुधवार को मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। ऋषि कपूर के निधन की खबर से माहौल गमगीन है और बॉलीवुड के साथ ही साथ फैंस को भी काफी दुख है। बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर छा गई है, लेकिन ऋषि कपूर से जुड़े अनसुने किस्से जानने के लिए उनके फैंस बेताब हैं। ऐसे में आज हम ऋषि कपूर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ही आपको बताने वाले हैं। ऋषि कपूर अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर दिल से में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा कर चुके हैं। ऋषि कपूर ने बताया था कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम यास्मीन मेहता था, जो एक पारसी लड़की थी। यास्मीन मेहता और ऋषि कपूर काफी क्लोज थे। ऋषि ने यास्मीन को फिल्म बॉबी से पहले डेट किया था, लेकिन मैगजीन में उनके बारे में एक अफवाह के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था। ऋषि कपूर ने बताया कि जब हम डेटिंग कर रहे थे तब यास्मीन ने मुझे एक अंगूठी गिफ्ट की थी, उस पर एक शांति का निशान बना हुआ था। जब मैं डिम्पल के साथ बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो डिम्पल ने उसे मुझसे लेकर पहन लिया। बाद में जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो ये खबर छपी कि जब राजेश खन्ना ने वो रिंग देखी जो ऋषि कपूर पहना करते थे तो उसे जुहू में अपने घर के पास समुद्र में फेंक दिया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में कहा था कि सच्चाई ये थी कि मैं डिम्पल के साथ कभी प्यार में नहीं था। इस खबर से डिम्पल पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ा, लेकिन ऋषि कपूर और यास्मीन का ब्रेकअप हो गया। ऋषि ने यास्मीन को मनाने की काफी कोशिशें की और वो दिल से चाहते थे कि यास्मीन उनकी जिंदगी में लौट आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऋषि कपूर उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और वो उनसे शादी भी करना चाहते थे। इसके बाद उनकी जिंदगी में नीतू कपूर आई, लेकिन उस समय ऋषि कपूर नीतू से शादी नहीं करना चाहते थे। 5 साल डेट करने के बाद घर वालों ने छलावे से नीतू और ऋषि की सगाई करा दी थी और फिर जबरदस्ती उनकी शादी भी करा दी। और जब ऋषि कपूर की बायोग्राफी में इस बात का खुलासा हुआ कि ऋषि यास्मीन से बेहद मोहब्बत करते थे और आज भी उनके दिल में उसके लिए उतनी ही मोहब्बत है, तो ऋषि और नीतू के बीच अनबन भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर कितने बड़बोले थे और वो अपने मन की बात कहने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ऐसे में ऋषि और नीतू के रिश्ते में थोड़ी अनबन तो जरूर हुई, लेकिन फिर सब ठीक हो गया था। तो दोस्तों, आपको ऋषि कपूर के सच्चे प्यार के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी एक और ऐसे ही अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।